के अध्यक्ष चुके गए हैं। आज देश के अध्यक्ष दुर्गा बाबू जी से भी प्रार्थना करते हैं तो आगे की भक्ति में अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। दिल्ली प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते रहे हुए भाई अपेक्षा भागवत जी से भी प्रार्थना करेंगे कि आगे की भक्ति में स्थान ग्रहण करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो आगे की भक्ति में स्थान ग्रहण करेंगे। और प्रदीप जी से अंबिकापुर से भी प्रार्थना करेंगे कि आगे की भक्ति में स्थान ग्रहण करें। और इसी तरह नरेश जी से और संजय जी से भी प्रार्थना करेंगे कि आगे की भक्ति में संजय जी ने भी कभी पर्यवेक्षक के रूप में वहां का कार्य संपादित चुनाव संपादित कराया है पश्चिम बंगाल झारखंड प्रदेश का, और उसका चुनाव अधिकारी के रूप में प्रेम सागर जी रहे हैं, उन्होंने भी काफी सहयोग उनको दिया है, उनका आभारी। अब ये राज्य बैठक की कार्रवाई हमारे अक्षर मुनि के नाम से शुरू होगी। मैं अपने जो राष्ट्रीय संरक्षक है आदरणीय डॉक्टर श्री गुप्ता जी और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुकुमार वैद्य जी और महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनन्या वंदना गुप्ता जी से और सभी उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और उन्हें अनुरोध करता हूँ कि इनका मंच पर आने का कष्ट है। और साथ ही हनुमान प्रसाद जी से भी अनुरोध करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के जो आयोजन है इसके अवसर में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है आदरणीय जनप्रताप से भी आग्रह करें। चंद्रप्रकाश केसरी जी से अनुरोध करता हूँ उनका मंच पर आने का दर्शन किया। राष्ट्रगान करा दे।
evening. Thank you.
वही आगे बढ़ेगा। अपने भारतीय जनता पार्टी मैं समाज सभा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय महामंत्री श्री अमित केसरी जी का अब मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महामंत्री श्री प्रदीप केसरी जी अंबिकापुर जो कि हमारे राष्ट्रीय असम के प्रदेश अध्यक्ष अजय हमारे जो ये कार्यक्रम है शिक्षा के क्षेत्र में
और महिलाओं के द्वारा जो समय समय पर संपादित कार्यक्रम है, अभी आपकी युवा टीम भी है उसने वेबसाइट का लॉन्च किया है, उस वेबसाइट से आप लोग जुड़े और आप सभा की अधिक से अधिक सूचनाएं उसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस प्रकार पर भी आप एक कोर्स की स्थापना कर सकते हैं और अपने उन भाई के धनाभाव के कारण या उसकी पारिवारिक स्थिति नहीं है उनको यह स्थान और उनको मार्गदर्शन के साथ मिर्जापुर में कि भाइयों ने धर्मशालाएं गठित की है। इसी तरह व्यवहार के क्षेत्र में ग्रंथालय का निर्माण हुआ है। इसी तरह हैदराबाद के क्षेत्र धर्मशालाएं बने हैं डॉक्टर जी के गुप्ता के निर्देशन डॉक्टर हमारे डॉक्टर महेश जी कार्यक्रम शुरू हुआ था और हमारे प्रदेश के पत्रकार वहां परिसर को खाली करवाया था और वहां पर वो निर्माण हो सका। इसलिए भी इस तरह के रचनात्मक कार्यों में भी हमारी महासभा का सहयोग रहता है। ताकि तो स्थानीय समय है लेकिन हमारा समय समय पर सहयोग रहता है। इस सब बातों को संपूर्ण करते हुए मैं आगे की कार्रवाई इसके पहले के हम निश्चित हैं डॉक्टर एम के गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि हम सबको दिशा निर्देश देने की कृपा करें। साथ ही महामंत्री को यहाँ पर होना चाहिए और जो सारा संचालन उनको करना चाहिए वह यहाँ पर अनुपस्थित है। इसके लिए मैं हम लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। या तो आप देर में आए या तो आएंगे तो देर में आएंगे अथवा समय से नहीं आएंगे उनको यहाँ रहना चाहिए। आज की सारी प्रोसीडिंग का संचालन उनको करना चाहिए। महामंत्री करते हैं उनकी आज की सभा का संचालन करें और उसके पहले मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि हम सबसे स्वागत करता हूं और साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो भी हमारे अभिभाषी के सर्वानी व महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्य समिति के सदस्य हैं उन सभी का और वंदन करता हूं। वंदन इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग इतनी भूख से पढ़ा रहे हैं पूरे देश का यहाँ नेतृत्व मिल रहा है इसलिए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। डॉक्टर एमके गुप्ता जी जो सकता है